से क्यों तुम छूत बरकाते हो? सही बात बा, खाते हो कहते हो कि हमारे दरवाजा मत आइए, मत तू खाए तो आज ही तो हमारा घरवा खराब हो जाए, अशुद्ध हो जाए। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, और आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा जाति पाति से रिलेटेड वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो दोस्तों हमारे साथ एक बाबा जुड़ चुके हैं, अब कुछ कहना चाहते हैं, सुनेंगे इनके बातों को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं ना बाबा। क्या बाबा, सही है ना? तो चलिए बैक कैमरा को सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं बाबा का जलवा। तब का सही बात है, एकदम एक नंबर का बात कह रहे हो। क्यों तुम छूत बरकाते हो? सही बात बा, खाते हुआ कहते हो कि हमारे दरवाजा मत आइए, मत तू खाए तो आज ही तो हमारा घरवा खराब हो जाए, अशुद्ध हो जाए। हम मुर्गा मछली बना देता हूँ, मुर्गा मछली बना देता हूँ, गप देना आके लील जाए, लील गाय नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब ना कहे कि हम नहीं के, तब ना कहे कि छूत बा। अब यही कहो कि भैया तनि दूध दही ना खा ला, बात तू चमार हुए तो हम दूध दही खाई तो रहनिया बर्तन में कर लाई ऊपर छूत लगा दे ला। अब यही मुर्गा मुर्गा बनल बा तो हाँ लिए वो खाई ली, हमारा छूत ना लौकी। उम्मा कितना मजा बा है, जहाँ छूत बा ओके छूत नहीं के लगा जाए, जहाँ छूत नहीं के ओके छूत लगा दिए गिल बा। ये दुनिया समाज है, दुनिया कहब कि सही रास्ता पर चलो तो कही कि खराब बा, कहब कि गलत रास्ता पर चलो तो कही कि ठीक बा। जहाँ खूब मेहरारू नाचत तली, कान हिलावत तली, तनी आगे पीछे कुल देखावत तली, ऊपर नीचे तली, बड़ा आर्केस्ट्रा का नाच बा, बड़ा ना निक निक नाचत तली। मेरे भीड़ रेल के लगा दी, लड़का ले लगाई, बूढ़ ले लगाई, जवान ले लगाई, जनाई कहीं से दम भार मंडली आ गिल बा, स्वर्ग से उतर, स्वर्ग से उतर गिल बानी। चार गो उतर जी हाँ तो मारिय एकदम खुड़िया खाम कह के डूबी हाँ ओतन तो मारो पीट कर ली हाँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कर जरूर बताना, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस, मज़ा ही आ गया इस वीडियो में, क्या ही बोले यार। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी फिर एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना जी।